एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, आज मैं आपके साथ कुर्ता हॉल शेयर करने वाली हूँ। और जो कुर्ताज है वो ब्रांडेड है, आप सबको पता है, और काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया है सेल टाइम के कारण। सो ये जो कुर्ताज है उसे आप पार्टी वेयर या फिर फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हैं। बहुत अच्छे कुर्ताज है और काफी अच्छे कलर्स में है, काफी ब्राइट है और उनमें वर्क भी बहुत अच्छा किया गया है। सो अगर आप इन्हें बाय करना चाहेंगे या अगर आपको ये अच्छे लगेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, सो आप बाय भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ ये येलो कलर का कुर्ता, जो कि कुछ इस तरह का है। बहुत ही प्रिटी कुर्ता है ये, मुझे इसका कलर ही बहुत अच्छा लगा। स्ट्रेट कुर्ता है, जितने भी कुर्ताज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो स्ट्रेट कुर्ताज है, अनारकली ए लाइन ये सब पैटर्न नहीं आपको मिलेगा। सो ये स्ट्रेट कुर्ता है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे रेड कलर की लेगिंग्स और दुपट्टे के साथ कैरी करते हैं या फिर गोल्डन कलर की लेगिंग्स दुपट्टे के साथ कैरी करते हैं या पिंक के साथ कैरी करते हैं तो बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। सो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है और इसके नेकलाइन पे आपको ये सीक्वेंस का वर्क देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही प्रिटी है। मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का वर्क है जो कि पूरे नेकलाइन पे है, बैक में भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही प्रिटी वर्क है इस पे। और फिर फ्रंट पे आप देख सकते हैं ब्रस्ट एरिया के पास गोल्डन कलर के धागे से भी वर्क किया हुआ मिल रहा है, आप देख सकते हैं जड़ी के धागों से। तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और काफी ब्राइट आता है। और जो फैब्रिक है वो तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी, बट वही वाली फैब्रिक है पॉलिस्टर वाली, तो ये थोड़ी शाइनी भी है, तो अच्छे से शाइन करती है तो पार्टी वेयर के लिए और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और ये है फ्रॉम दी ब्रांड ऑरेलिया। जो सारे कुर्ताज मैं आपको शेयर करने वाली वो सब ऑरेलिया ब्रांड के हैं, तो ये ब्रांडेड भी है, सो आपको ब्रांड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा। सो ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं बिल्कुल काफी अच्छी इसकी फिटिंग भी आती है। सो ये इसका नेकलाइन है, इसमें जरी का वर्क किया गया है ब्रेस्ट एरिया के पास। और अगर नीचे की बात करें तो ये कुर्ता बिल्कुल प्लेन है और काफी शाइनी और चमकीला मटेरियल है इसका, कुछ इस तरह का। और स्लीव्स की बात करें तो इसकी स्लीव जो है वो 3/4 स्लीव्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी स्लीव्स की लेंथ भी काफी अच्छी है और काफी फिटिंग वाला कुर्ता है, बहुत अच्छा लगता है। और बैक में भी ये बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्लेन है बट काफी अच्छा है। सो अगर आप किसी छोटे मोटे फंक्शन या पूजे में भी पहनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। सो ये कुछ इस तरह का है, काफी ब्राइट कलर है और ये हर स्किन टोन पे अच्छा लगने वाला है। जो मेरी साइज है वो मीडियम है, सो आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। और इसमें कोई भी इनर यानी कि अस्तर का कपड़ा नहीं मिल रहा है, बट इसमें आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, तो इनर का कपड़ा इन्होंने नहीं दिया है। सो फ्रेंड्स, ये है इसका ओवरऑल लुक, आप देख सकते हैं कलर कितना प्रिटी है और बॉडी में ये काफी अच्छे से फिट भी हो जाएगा और साइज यानी कि जो लेंथ है वो भी इसकी सही है। सो मैंने तो इसे मीडियम साइज में लिया है, पास से आपको दिखा देती हूँ। कोई अच्छे छोटे मोटे फंक्शन के लिए ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें जो बहुत शाइन भी है तो काफी अच्छा लुक आता है। और अभी तो मैंने इसे ब्लैक लेगिंग्स के साथ कैरी किया हुआ है, बट आप इसे पिंक कलर की लेगिंग्स के साथ कैरी करेंगे या फिर गोल्डन या रेड के साथ कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सो ओवरऑल ये कुछ इस तरह का है, स्लीव्स भी आपको दिख जाएंगी। सो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो नेचुरल लाइट में दिखा रही हूँ, तो आपको कलर का जो ओरिजिनल अंदाज है वो हो जाएगा कि इस तरह का ही कलर है। सो बहुत ही प्रिटी है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट कुर्ता है वो कुछ इस तरह का ब्लू कलर का, ये कलर भी बहुत प्रिटी है और पूजा या फिर पार्टी फंक्शन के लिए ये कलर बहुत अच्छा है। सो इस पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिंटिंग की गई है, काफी अच्छी सी, इसे एम्बेलिशमेंट कहते हैं, यानी कि जो चमकीले कलर वाली प्रिंटिंग होती है वो इस पे की गई है। सो ये भी है फ्रॉम द ब्रांड ऑरेलिया और ये कुछ इस तरह की है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये भी स्ट्रेट है और इसकी जो फैब्रिक है वो प्योर पॉलिस्टर नहीं है, इसमें कॉटन मिक्स है, मैं आपको बता दूं। और इसके नेकलाइन पे भी आपको सीक्वेंस का वर्क देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरह का, आप देख सकते हो। और बटन्स भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे जो कि ओपन होते हैं, यानी कि ये बटन नहीं है, यहाँ पे फ्रंट में आपको बटन दिख रहा है बट ये हुक है। सो ये हुक से आप इसे बंद कर सकते हैं, अच्छे से अपने अंदर पहन के इसे और उसके बंद कर सकते हैं। इसका डिजाइन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो ये कुछ इस तरह का है और बाकी पूरे कुर्ते पे आपको इस तरह का, आप देख सकते हैं, एम्बेलिशमेंट देखने के लिए मिल रही है, प्रिंटिंग देखने के लिए मिल रही है गोल्डन कलर की, जो कि इसे बहुत ही प्रिटी बनाती है और पार्टी वेयर के लिए भी काफी अप्रोप्रिएट बनाती है। सो फ्रंट इसका कुछ इस टाइप का है, नेकलाइन में आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे सीक्वेंस वर्क भी किया गया है और यहाँ बैक में भी सीक्वेंस वर्क यहाँ पे किया गया है। और स्लीव्स की बात करें तो अगेन 3/4 स्लीव्स आपको मिल रही है और इस पे आपको टेपिंग मिल रही है गोल्डन कलर की। जी हाँ, यहाँ पे पाइपिंग भी दिया गया है जो दोनों ही साइड पे है, तो ये इसे और भी अच्छा ब्यूटीफुल बनाता है। बैक की अगर बात करूं तो बैक इसका बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, कोई भी प्रिंटिंग या फिर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बैक बिल्कुल प्लेन है। सो इसे आप प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकते हैं, अगर आप चूड़ीदार नहीं पहनते तो प्लाजो के साथ भी इस तरह के कुर्ताज जो है स्ट्रेट वाले बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी प्रिंटिंग है, पास से दिखा देती हूँ आपको। और इसमें जो मेरी साइज है वो मीडियम है और ये कुर्ता कुछ इस तरह का है और इसका बैक कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कुर्ते का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हैं, और ये भी पिंक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ओवरऑल इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं पास से आपको दिखा दे रही हूँ। जो नेकलाइन है वो भी बहुत अच्छी है और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है और जो लेंथ है वो भी सही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बाई कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जो प्रिंटिंग है वो निकल तो जाएगी बट जल्दी नहीं निकलने वाली है। अगर आप किसी फंक्शन में स्पेशली पहनते हैं या कभी कभार पहनते हैं तो इसकी प्रिंटिंग काफ़ी टाइम तक चलेगी और ब्रांड भी बहुत अच्छा है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कुर्ता है वो बहुत ही प्रिटी नियॉन ग्रीन कलर का कुर्ता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इसे पैरोट ग्रीन भी कह सकते हैं। सो इसे मैंने इस कलर के कारण ही बाई किया क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो ये कुछ इस तरह का है, काफी ब्राइट है और पार्टी और फंक्शन के लिए ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सो इसकी भी फैब्रिक अगेन पॉलिस्टर ही है फ्रेंड्स, पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स है और इस पे भी आपको एम्बेलिशमेंट देखने के लिए मिल रही है, यानी कि इस पे भी आपको प्रिंटिंग देखने के लिए मिलेगी चमकीली वाली, बट ये गोल्डन कलर की नहीं है, ये आप कह सकते हैं सिल्वर कलर की है। पास से आपको दिखाती हूँ और इसमें कोई सीक्वेंस वर्क भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको टेपिंग मिल रही है, देख सकते हैं सिल्वर कलर की, और उसके बाद ये सब कुछ प्रिंटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका नेकलाइन है और ओवरऑल पूरी कुर्ती पे कुछ इस तरह की प्रिंटिंग आपको बूटा बूटा वाली प्रिंटिंग देखने के लिए मिलेगी। और जो स्लीव्स है वो 3/4 है अगेन और इस पे भी आपको पाइपिंग देखने के लिए मिल रही है इस तरह की, वो भी सिल्वर कलर से, बहुत ही प्रिटी है ये। इसकी भी जो क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी, कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स है फैब्रिक। और जो इसकी प्रिंटिंग है, अगर आप पूछना चाहते हैं इसकी निकलती है या नहीं ये सब कुछ, तो जी हाँ निकल जाती है। अगर आप इसे बार बार पहनेंगे या फिर बार बार वॉश करते हैं तो जरूर ही निकलेगी, बट काफी धीरे निकलती है क्योंकि ये ब्रांडेड कुर्ता है, तो उतना जल्दी इसका जो प्रिंटिंग है वो नहीं निकलने वाला। सो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं और अगर आप इसे किसी फंक्शन पार्टी में ही सिर्फ पहनना चाहते हैं तब तो ये आपके साथ बहुत दिनों तक चलने वाली है। सो ओवरऑल ये कुछ इस तरह की है, ये इसका नेकलाइन है, यहाँ पे पास से आपको दिखा देती हूँ तो आपको प्रिंटिंग समझ में आ जाएगी। और नीचे अगर आप बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह का बूटा वर्क पूरे कुर्ते पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कुर्ता है ये भी पिंक कलर के साथ बहुत अच्छे से जाएगा और स्लीव्स मैंने आपको दिखाई दी है। बैक में इस पे कोई भी प्रिंटिंग या फिर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है और इसमें मेरे साइज अगेन मीडियम है और ब्रांड ऑरेलिया ही है। सो फ्रेंड्स, ये कलर भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, बट बहुत लोगों को इस तरह का कलर पसंद नहीं आता है तो ये टोटली आपके ऊपर है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसलिए इसे बाय किया। सो इसका भी आप लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छा आ रहा है, स्ट्रेट कुर्ता है, बिल्कुल ए लाइन पैटर्न नहीं और साइड से स्लिट है यानी कि कटा हुआ है, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेंगे। और जो नेकलाइन है वो भी काफ़ी प्रिटी है। सो पास से आपको मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की है ये। इसे भी आप अगर अच्छे लेगिंग्स और दुपट्टे के साथ कैरी करेंगे तो ये प्रॉपर एक सूट बन जाएगा। सो अभी तो फ्लिपकार्ट पे सेल भी चल रही है, सो आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, सेल बस आज के लिए ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे उसे ले सकते हैं। पास से भी आपको दिखा दिया, बहुत अच्छा कुर्ता। नेक्स्ट कुर्ता दिखाने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ, वो है एवरटीन की डेली पैंटी लाइनर्स। सो फ्रेंड, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इसे रिकमेंड करूंगी, मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसे आपके साथ शेयर किया हुआ है बट मुझे ये बहुत पसंद आई है तो मैं इस वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इसके बारे में आइडिया हो पाए। सो फ्रेंड्स, ये पैंटी लाइनर है, इसका फुल रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी आइडिया देती हूँ। सो ये जो पैंटी लाइनर है फ्रेंड्स वो है एवरटीन की ओर से। सो ये काफी छोटे से पैक में आता है और इसमें टोटली आपको 30 लाइनर्स मिलते हैं और वो भी काफी स्मॉल होते हैं, तो आप इसे अपने बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है, तो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं और अगर आपका फर्स्ट डे है या फिर लास्ट डे है तो आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और इसमें यहाँ पे मेंशन है कि आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये ऑडर कंट्रोल करता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि आपके हाइजीन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। और इसमें आपको टोटल 30 लाइनर्स मिल रही जैसे कि मैंने आपको बताया और ये नॉन इरिटेटिंग है, इसमें कोई भी सेंट या फिर परफ्यूम का यूज नहीं किया गया है और नेचुरल कॉटन से बनी हुई है। सो आप चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई कि आप इसे किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो इन बिटवीन पीरियड्स, अगर आप अपने पीरियड्स के बीच में इसे यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है या फिर आप इसे कैरी करना चाहते हैं कहीं पे तो यूज कर सकते हैं। बैकअप फॉर टैम्पोन्स एंड कप्स, सो अगर आप टैम्पोन्स एंड कप यूज करते हैं तो भी आप इसे एज अ बैकअप प्लान के लिए लेकर कैरी कर सकते हैं। उसके बाद है ये लाइट डिस्चार्ज, अगर आपको लाइट डिस्चार्ज होता है तो भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, ये कब सेफ रखेगा। क्लीनिंग डेली हाइजीन, सो अगर आप डेली हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इससे आपकी जो डेली हाइजीन है वो काफी अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये हर शॉपिंग साइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं, ये काफी अच्छा ऑप्शन है पैंटी लाइनर्स के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मेरे पास वो ये पिंक कलर की कुर्ती है, क्योंकि पिंक कलर की कुर्ताज भी बहुत अच्छे लगते हैं पार्टी फंक्शन के लिए, आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे इसलिए मैंने इन्हें बाय किया है। सो इस पे भी आप देख सकते हैं नेकलाइन पे आपको इस तरह का सीक्वेंस का वर्क देखने के लिए मिल रहा है काफी अच्छा सा, जो कि बैक में नहीं है इस बार, मैं आपको बता दूं इधर नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट में है क्योंकि नेकलाइन ही इसकी राउंड है। और बाकी जो पूरा कुर्ता है उस पर आपको अगेन उस तरह की एम्बेलिशमेंट वाली प्रिंटिंग देखने के लिए मिलेगी, यानी कि चमकीली वाली गोल्डन कलर की। सो प्रिंटिंग इसकी कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं ये इसका
फ्रंट है और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इसकी प्रिंटिंग कुछ इस तरह की हो जाती है और नीचे में थोड़ी ज्यादा हो जाती है यानी कि बॉर्डर के पास। सो ये कुछ इस तरह के पास से आपको प्रिंटिंग की क्वालिटी भी दिखा देती हूँ। सो कुछ इस तरह की है। और अगर स्लीव्स की बात करूँ फ्रेंड तो स्लीव्स अगेन 3-4 स्लीव्स हैं और जो पाइपिंग है इस पे वो आपको मिल रही है गोल्डन कलर की। ठीक है, अगेन कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स है, इसमें मेरी साइज मीडियम है। तो लीफ वाले पैटर्न बनाए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी लगता है ये। और ये आपको हमेशा ही अफोर्डेबल रेंज पे मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। सो आप चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगा तो। या फिर ऑरेलिया के बहुत सारे कुर्ताज आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे जो कि काफी कम रेंज के होते हैं। सो अगर आप सूट पहनना या फिर सूट खरीदना अफोर्ड नहीं करते या फिर अगर आप नहीं लेना चाहते उतने महंगे सूट ब्रांडेड तो आप कुर्ताज ले सकते हैं, उसका दुपट्टा या स्टोल या चूड़ीदार लेके इसे एक अच्छा सा सूट बना सकते हैं। सो ये कलर मुझे बहुत प्रिटी लगा, पिंक कलर है, बहुत ही प्रिटी है ये। और इसे आप प्लाजो के साथ भी कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और गोल्डन कलर तो इसमें है ही, तो गोल्डन सलवार के साथ या फिर गोल्डन पटियाला के साथ बहुत अच्छा लुक आने वाला है। सो इसका जो लुक था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि पार्टी फंक्शन के लिए ये कलर बहुत चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर। और ब्रांड तो ऑरेलिया है ही। और ये आप देख सकते हैं पाइपिंग भी आपको मिल रही है स्लीव्स पे जो मैंने पास से दिखा दिया है, प्रिंटिंग भी आपको पास से दिखा दिया है और जो नेकलाइन है उस पर एम्बेलिशमेंट भी की गई है। और ये आपको पास से प्रिंटिंग दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की प्रिंटिंग है, बहुत अच्छी डिज़ाइन है और इसमें स्लिम लुक भी आएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये प्योर कॉटन फैब्रिक में है, ये पॉलिस्टर की फैब्रिक में नहीं है। इसकी जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है और काफी प्रिटी कुर्ता है ये, आप देख सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह का है, इसके भी नेकलाइन पे वर्क है और इसे भी आप सीक्वेंस वर्क कह सकते हैं क्योंकि इस पे भी आप देख सकते हैं उस तरह के स्टार्स लगाए गए हैं काफी अच्छे से। नेकलाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है और इसमें अलग से गोल्डन कलर की पाइपिंग भी दी गई है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो छोटी सी पाइपिंग है, बहुत पतली है बट हाँ दी गई है। और यहाँ पे भी आपको गोल्डन कलर का कपड़ा ऐड किया गया है, पास से आपको दिखाती हूँ। तो इसकी नेकलाइन बहुत खूबसूरत है और इसके ऊपर प्रिंटिंग भी की गई है बहुत ही प्रिटी सी, पूरे कुर्ते पे आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी कुर्ता है ये ओवरऑल। सो ये इसका ब्रस्ट एरिया है जिसपे इस तरह की प्रिंटिंग आपको रेड के साथ मिक्स मिल रही है। ये है स्लीव जो कि 3/4 है और इस पे भी आपको काफी अच्छे से प्रिंटिंग देखने के लिए मिल रही है। व्हाइट कलर की भी प्रिंटिंग है जो कपड़े के ऊपर से ही की गई है, कुछ इस तरह की। और अगर बैक की बात कर लूं तो बैक भी बिल्कुल सेम है। इसके ब्रेस्ट एरिया पे इस तरह का रेड कलर की जो प्रिंटिंग आपको दिख रही है वो की गई है, अच्छी प्रिटी वाली प्रिंटिंग है। और जो गोल्डन कलर इसमें यूज किया गया है वो भी काफी चमक रहा है, चमकने वाला जो आप कह सकते हैं गोल्डन कलर होता है उसका यूज किया गया है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, पास से आपको आइडिया हो जाएगा। और नीचे की बात करें तो उसमें भी सेम प्रिंटिंग कुछ इस तरह की दिख रही है और जो भी गोल्डन कलर ये दिख रहा है वो सब शाइनी कर रहा है, आपको दिख रहा होगा शाइन कर रहा है, बहुत ही प्रिटी लुक दे रहा है ये। सो इसकी जो फैब्रिक है वो तो कॉटन है, मैंने आपको बता दिया। सो इसका लुक थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा बट काफ़ी अच्छी है कॉटन की कुर्ती। और इसमें भी जो चमकीले वाले पैटर्न होते हैं यानी कि शाइनी, वो गोल्डन कलर का वो मटेरियल यूज़ किया गया है। तो इसको भी आप एज अ पार्टी, मतलब पार्टी में आप नहीं पहन सकते बट छोटे मोटे ओकेजन में या फिर पूजा वगैरह होती है तो आप पहन सकते हैं, अच्छा ही लुक आएगा। रेड कलर के दुपट्टे के साथ और रेड कलर की चूड़ीदार के साथ इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। पास से आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की प्रिंटिंग है इस पर, ये व्हाइट वाली भी प्रिंटिंग ही है एक तरह की और गोल्डन कलर की प्रिंटिंग तो की गई है। ओवरऑल इसका लुक बहुत अच्छा आता है, इसमें आपकी हाइट भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये स्ट्रेट पैटर्न में है। मेरी आज की वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए